दोस्तों आईफोन ने अपने ऐसी सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन आईफोन SE 2020 रिसेंटली ही लॉन्च किया है, और हम अगर ध्यान दें तो आईफोन SE 2020 हूबहू इंस्पायर्ड लगता है आईफोन के सबसे पहले स्मार्टफोन 2014 के आईफोन 6 के। और दोस्तों यही आईफोन 6 है मैं पिछले 4 महीने से अपने प्राइमरी फोन की तरह यूज कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मामले में बात करेंगे कि अगर आप iPhone 6 को 2020 यानी 2020 में यूज करें तो आपको क्या क्या चीजें सही लगती है और किन किन दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं गौरव कंज्यूमर टेक से आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजिंग iPhone 6 इन 2020। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करूंगा कुछ एक चीजें जो मुझे अच्छी लगी iPhone 6 की, जो कि पहली है कि फोन की बिल्ड। फोन एक 6.9 मिलीमीटर मोटा एक बेहतरीन स्मार्टफोन है जो कि काफी हद तक लाइट वेट है। बॉडी की बात करें तो बॉडी यहाँ पर हमको मिलती है एल्यूमिनियम बॉडी, जो कि आजकल फ्लैगशिप फोन पर भी देखने को नहीं मिलती है। तो फोन के डिजाइन की बात करूँ तो फोन का डिजाइन काफी स्टेडी है और फोन काफी लाइट वेट है, तो आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं, सिंगल हैंड यूज कर सकते हैं और आपकी पॉकेट में भी इजिली आ जाएगा। तो दूसरी चीज मैं बात करूं कि आपको इस फोन में क्या अच्छी लगी मुझे, जो कि है इस फोन में आपको मिलता है एक हेडफोन जैक। जी हाँ, आज के टाइम फ्लैगशिप फोन हेडफोन जैक को रिमूव करने में लगे हुए हैं, तो आप आईफोन 6 के साथ हेडफोन जैक के साथ अपने सभी कन्वेंशनल ईयरफोन्स को या हेडफोन को यूज कर सकते हैं। मैं एक वायरलेस टाइप का पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा वाइड म्यूजिक ज्यादा पसंद है, तो एक हेडफोन को हटा के दूसरे डिवाइस में प्लग इन करता रहता हूँ, तो मेरे लिए आईफोन 6 इस मामले में काफी बेहतर है। सिक्योरिटी की बात करें हम, सिक्योरिटी में आईफोन 6 में आपको किसी भी तरह का फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता, और हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक जो है एक टच आईडी। जी हाँ, टच आईडी आईफोन ने आईफोन 11 सीरीज से आईफोन 10 सीरीज से हटा दिया है, पर आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस और हाल ही में लॉन्च हुआ आईफोन SE 2020 में भी आपको टच आईडी देखने को मिलता है, और यही टच आईडी आप इस फोन में भी यहाँ पर देख सकते हैं। मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और कंटेंट क्रिएटर के लिए वीडियो शूटिंग काफी इंपॉर्टेंट रखती है, तो उन्हीं कंटेंट क्रिएटर के लिए जो लोग वीडियो ज्यादा शूट करते हैं, तो इस फोन का रियर कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का है वो आपको फुल HD में 60 फ्रेम पर सेकंड पर शूट करने में देता है, जो कि काफी अच्छी खासी आउटपुट आपको दे सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे काफी अच्छी लगी आईफोन 6 में। अब कुछ बात करते हैं उन चीजों की जो कि शायद आपको प्रॉब्लम दे सकती है, आपको कुछ दिक्कत दे सकती है आईफोन 6 को 2020 में यूज करते हुए। तो पहली बात करूं तो फोन की बैटरी, इस फोन में मिलता है आपको 1810 mAh की बहुत ही छोटी बैटरी और 5 वोल्ट का एक बहुत ही स्लो चार्जर। जी हाँ, मैं अगर बात करूँ आपको पूरा फोन चार्ज करते करते 2 से 2.25 घंटे लग जाएंगे, और अगर आपको स्क्रीन ऑन टाइम और टोटल इफेक्टिव टाइम भी देखें तो 3 से 3.25 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। जी हाँ, अगर आप सुबह इसको चार्ज करते तो आपको दोपहर को 4 बजे के आसपास को दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है फोन की बैटरी, 1810 mAh की बैटरी है यहाँ पर। दूसरी मेजर दिक्कत है वो ये है कि इस फोन में कोई भी अपडेट नहीं आ रही। जी हाँ, जो लेटेस्ट अपडेट रहा है वहाँ पर iOS 12 का रहा है, एप्पल ने उसके बाद अपने अपडेट से कैंसिल कर दिया, हालांकि सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं। तो आपको एप्पल के सॉफ्टवेयर की नई अपडेट नहीं मिलेगी, आप देख सकते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं अभी iOS 13 आ चुका है, iOS 14 आने वाला है, पर अभी भी ये फोन iOS 12 पे स्टक है। हालांकि सिक्योरिटी अपडेट मिलते हैं पर कोई भी आपको मेजर iOS का अपडेट नहीं मिलेगा। अगली बात करता हूँ मैं फोन के सेल्फी कैमरे। ये सेल्फी कैमरा में आपको ना ही कोई पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है, और 1.2 मेगापिक्सल का होने के कारण फोन की सेल्फी की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। आज के टाइम 8 से 10 हज़ार के फोन में भी आपको इससे बेहतर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो अगर आप आईफोन 6 यूज कर रहे हैं तो आपको हो सकता है आपको इस मामले में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगली मैं बात करूं तो फोन के इंटरनल फोन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस फोन में आपको मिलता है A8 बायोनिक चिप, जो कि 2014 में फ्लैगशिप चिप थी पर आज के टाइम नहीं है। साथ के रैम की बात करूं तो रैम है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 GB। इसमें आप प्रोसेसिंग से ज्यादा कुछ डिमांड कर ही नहीं सकते हैं। आप बेसिकली फोन यूजर के लिए कॉल क्वालिटी के लिए अगर फोन को पिक करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, पर अगर आप गेमर है और हार्डकोर गेमर है तो ये फोन आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ है 1 GB रैम।
आप इंटरनल अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, अपने वेरिएंट डिसाइड कर सकते हैं, पर आपको जो वेरिएंट मिलेगा 1 GB रैम के साथ ही मिलेगा। दोस्तों तो आपने देख लिया होगा कि मुझे इस फोन को यूज करते हुए क्या क्या चीजें सही लग रही हैं, क्या क्या मैं दिक्कत फेस कर रहा हूँ। अगर आप भी आईफोन 6 यूज कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी कोई और दिक्कत फेस कर रहे हैं तो शायद मैं फेस नहीं कर रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर ही लिया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटे का बटन जरूर दबा देना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो बार बार देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों लास्ट के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।